2024 के लिए विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है। 2024 में मोदी को हटाना है, बीजेपी को हराना है, इस संकल्प के साथ विपक्ष के नेता अब एकजुट हो रहे हैं। तस्वीर इस वक्त आपके सामने, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जब ये दोनों नेता पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और अब जहां पर बैठक होनी है वहां पर ये दोनों पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक साथ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े नेता पहले ही इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जिनमें से एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने, उद्धव ठाकरे शामिल होने के लिए पहुंचे, इसी तरह शरद पवार भी इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर जिस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बैठक जहां हो रही है ये अंदर की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके ठीक बगल में राहुल गांधी, अखिलेश यादव तस्वीर में देख सकते हैं आप, एम के स्टालिन हैं, तमाम बड़े नेता एक साथ इस वक्त मौजूद हैं। नीतीश कुमार के एक तरफ लालू प्रसाद यादव और दूसरी ओर अगर आप देखें तो ये देखिए संजय सिंह भी हैं, राघव चड्ढा भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष एनसीपी की और साथ ही प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी की ओर से सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल दोनों इस वक्त तस्वीर में आपको नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, शरद पवार इस एक फ्रेम में, तो तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। 18 दल हैं और उनके वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं। अब देखिए हम दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, इनको आप देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव दरअसल मेजबान की भूमिका में हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह अलग अलग राज्यों में जाकर तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात की उसके बाद इस मीटिंग के मंच तक ये तमाम नेता पहुंचे हैं। अब इस मीटिंग से परिणाम कहां तक पहुंचेंगे इस पर सभी की निगाह होगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी इससे काफ़ी उम्मीदें कर रहे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे किस रूप में अपनी बात मीटिंग के अंदर रखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्या सभी दलों को स्वीकार है ये एक बड़ा प्रश्न है, और स्वीकार है तो आगे भूमिका क्षेत्रीय दलों की समन्वय के रूप में क्या होगी ये तय होना अभी बाकी है, और इसीलिए इस मीटिंग में तमाम वरिष्ठ नेता एक साथ बैठे हैं, जिसमें भगवंत मान पंजाब से पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिलेश यादव, तमिलनाडु से एम के स्टालिन, झारखंड से हेमंत सोरेन, इसी तरह आप ये देखिए शिवसेना से उद्धव ठाकरे, संजय राउत तस्वीर में नजर आ रहे हैं, लेफ्ट पार्टीज के नेता भी इसमें देख सकते हैं आप, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल जिन्हें एनसीपी की जिम्मेदारी दी गई है, शरद पवार भी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसके परिणाम क्या होंगे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान को इस फ्रेम में आप देख सकते हैं, उनके साथ शरद पवार को भी देख सकते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है ये बैठक, जिसमें ये तय होना है कि क्या भविष्य में रणनीति होगी और अगर समझौते करने पड़ेंगे तो क्या करने के लिए दल तैयार हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला ममता बनर्जी की ओर से आया, उनकी तस्वीर भी देखी आपने अभी, ममता बनर्जी की ओर से ये फॉर्मूला आया कि जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर उनको कोई परेशान ना करे, उसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों को फ्री हैंड दे। Z News.